जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स मोहम्मद बिलाल खान। होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आज हम अपने पीएमसी के टॉपिक नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी की डिस्कशन करने वाले हैं। आइए चलते हैं इसकी तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। The work done by the force is defined as W is equal to F dot S. In the certain situation, F and S are non-zero, but work done is zero. अच्छा, ये आप लोगों ने work done का formula पढ़ा हुआ, W is equal to F dot D. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W is equal to F D cos of theta. तो हम सब जानते हैं कि cos अगर 90 degree हो जाए, तो 90 degree के ऊपर cos 90 जो है वो zero हो जाता है. That means work done भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो होने के बावजूद वर्क डन जीरो है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो ऑप्शन देखते हैं। अल्फा ऑप्शन, एफ एस एंड एस आर इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा होता तो वर्क मैक्सिमम होता। बीटा ऑप्शन है, एफ एंड एस आर परपेंडिकुलर या राइट एंगल, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चार्ली देखते हैं, एफ एंड एस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा होता तो वर्क डन नेगेटिव मैक्सिमम होता, एंड नन ऑफ दीज, इसलिए इनमें से सुटेबल ऑप्शन दैट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अ बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h अबव द ग्राउंड, द वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द हाफ ऑफ इट्स इनिशियल विल बी। अब देखें जी, हमारे पास रूल ही होता है, लेट्स से दैट वाज द मैक्सिमम पॉइंट, दैट वाज द ग्राउंड पॉइंट। इस पॉइंट तक की अगर हाइट हमें mg, हाइट h है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mgh। अब होता ये है कि जब बॉडी जो है वो मिड पॉइंट पे यानी हाफ पॉइंट पे आ चुकी होती है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो चुकी होती है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम जी एच। अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं हाफ एम वी स्क्वायर पुट करूं और एम जी एच को ऐसा सच रहने दूं, जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर पुट किया, इज इक्वल टू 1/2 एम जी एच, 1/2 से कैंसिल, एम एम से कैंसिल, सो आई विल गेट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच। अब इसमें से देखते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है, तो दैट विल बी अल्फा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिएगा। How much work must be done by a force on a body of mass 50 kg in order to accelerate it from rest 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। देखिए जी, हमारे पास वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अच्छा, अगर इसमें से मैं 1/2 एम बाहर कॉमन निकाल लूं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 एम बाहर लिख लें, मैं ये भी लिख सकता हूं वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, क्योंकि हमने रेस्ट से शुरू किया है तो वी आई का स्क्वायर तो जीरो हो गया, सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 1/2। मास की जगह पे आपने 50 केजी पुट कर दिया और स्पीड जो हमें गिवन थी दैट वाज 20 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर लूंगा दैट विल बी 400। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको इससे कैंसिल कर दें दैट विल बी 200, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट दी 10^4 जूल। देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, सो दैट विल बी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मास ऑफ 2 केजी रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द हाइट इज फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 मीटर। यानी उसने आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली है और दो हाइट्स दी हुई हैं। आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होता है दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बेटा जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच वन, दैट वाज द ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम जी एच टू। अब इसमें से अगर मैं एम जी कॉमन निकाल लूं सो वी विल गेट एम जी एच वन माइनस एच टू। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, आप मास की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, मास की उसने वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 2 kg। सो जब मैं ये सारी वैल्यूज पुट करता हूँ इसके अंदर, तो आई विल गेट द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 kg मल्टीप्लाइड बाय जी की जगह 10, हाइट जो है दैट इज 100 माइनस 60 दैट मींस 40, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 20 × 40। सो देखते हैं जी हमारी एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है, अगर इसमें 800 जूल की ऑप्शन है तो सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, टू पार्टिकल्स ऑफ मैसेस m एंड 4m एंड हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 2:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। यानी आपको अगर मैसेस और
काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए, सो हाउ विल यू फाइंड दी मोमेंटम? देखते हैं जी रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m. अगर मैं इनको रिलेट करूं, सो आई कैन से दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me. काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अगर आपको रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, सो पी वन ओवर पी टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम वन ई वन ओवर एम टू ई टू. वैसे आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 2 को 2 से डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं. अब पुटिंग द वैल्यूज हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. सो पी वन ओवर पी टू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें जी मैसेज हमें क्या गिवन है. उसने कहा जी एक मैस अगर जो है वो 1 है, m है, और तो दूसरा 4m है, तो दैट मींस मैं मैसेज की रेशियो 1:4 पुट कर सकता हूं. दूसरी जगह पे वो कहता है जी अगर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 2:1 है, तो दैट इज 2:1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो विल आई विल गेट p1 ओवर p2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट. सो इट मींस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्रेन कैन रेज अ बॉडी ऑफ मास 120 kg vertically upward with a speed of 4.5 meter per second. What is the power of its engine? बहुत आसान है बेटा, आप लोगों को पता है. क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है. पावर फाइंड करनी है हमने. पावर इज इक्वल टू FV से आप फाइंड कर सकते हैं. सो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी जी हमें. 120 kg मास था, मैंने इसको mg पुट किया, तो जब मैं इसको mg पुट करूंगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 और वेलोसिटी जो है दैट इज 4.5. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता था 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 45 बाय 10. 10 को 10 से कैंसिल कर दें. अब आपको 120 को 45 से मल्टीप्लाई करना है. आप सिंपली ये करें 45 into 12 कर लें. तो जब आप 45 into 12 करेंगे तो दैट विल बी 4289155 14, सो दैट विल बी 04 और 540, तो दैट विल बी 5400. अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं पॉइंट को यहां से मूव करवा के 1, 2, 3 डिजिट्स लेके आऊं, सो आई विल गेट द 5.4 इनटू 10 रेज टू पावर 3 वाट पावर का यूनिट. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5.3 या 5.4 किलोवाट. देखते हैं जी एप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा आ रहा है. सो ऑप्शन विल बी अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. क्वेश्चन नंबर हमारा बनेगा नेक्स्ट 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा कहता है कि अ वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी हैज इट्स एनर्जी. देखें जी ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या कहता है. मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट. अच्छा, उसने काइनेटिक पोटेंशियल वर्ड नहीं यूज किया, दैट मींस अगर उसने काइनेटिक या पोटेंशियल का वर्ड यूज नहीं किया तो इट इज टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी. आपको पता है किसी भी प्रोजेक्टेड बॉल में या किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं होती, दैट मींस इट विल रिमेन कांस्टेंट. देखते हैं जी ऑप्शन कौन सी बनती है. सेम एट ऑल द पॉइंट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कहता है पर्सन ऑफ मास 60 kg कैरीज 15 kg बॉडी ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर हाई इन 5 मिनट्स और उसको पावर कितनी लगानी पड़ी. अच्छा स्टूडेंट्स देखें, बच्चा कंफ्यूज यहां पे किस चीज से होता है कि हम उसका मास यूज करें जो उसने लिफ्ट किया हुआ है. देखिए अपना मास तो उसको ले जाने के लिए पावर नहीं लगानी पड़ रही, हमें तो पावर उसी के लिए लगानी पड़ रही है जो मास उसने लिफ्ट किया है. तो पावर का फार्मूला mgh ओवर t. लेकिन याद रखें आपने यहां पे m की वैल्यू 15 पुट करनी है. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पावर इज इक्वल टू 15 kg मल्टीप्लाइड बाय g की जगह 10 पुट करते हैं और हाइट उसने हमें दी हुई है 10 मीटर. अगर मैं इसको 10 पुट कर लूं डिवाइडेड बाय टाइम की जगह उसने मुझे 5 मिनट्स दिया है. अब देखिए हमें तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में डील करना है, दैट मींस 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड. अगर मैं एक जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देता हूं, इस 5 को मैं इससे कैंसिल कर देता हूं, सो आई विल गेट p इज इक्वल टू 30/6, दैट आई विल गेट 5 वाट. तो देखते हैं जी करेक्ट आंसर कौन सा बनता है. 5 वाट इज द बीटा ऑप्शन, सो बीटा इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ वेट 9.8, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. देखिए जी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए a इज इक्वल टू f ओवर m आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए इस बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स कितनी लग रही है 5 न्यूटन और उसका वेट 9.8 है. अगर उसका वेट 9.8 है तो mg इज इक्वल टू w and m is equal to w over g. 9.8 को 9.8 से डिवाइड करें, you will get the mass और इसका mass आ जाएगा जी 1 kg. Force applied was 5 newton, mass 1 kg. That means acceleration will also be 5 meter per second square. देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन इसमें से ठीक है. So answer will be 5. That will be the delta option. जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. A ball of mass 1 kg is released from a tower. The kinetic energy generator after 10 meter range. देखिए जी आपने किसी certain height से उसको throw किया, जब उसने 10 meter distance cover कर लिया,
तो आपको पता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक्स, सो जो वो काइनेटिक गेन करेगी दैट विल बी एम जी, और वो हाइट जिस हाइट के ऊपर उसने पोटेंशियल लूज की है दैट हाइट इज 10 मीटर, अगर आप वैल्यूज पुट करें तो दैट विल बिकम मास की जगह पे आप 1 केजी पुट करें 10 जी की वैल्यू और 10 मीटर दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 100 जाउल, अगर मैं जी की जगह पे 9.8 पुट करता सो आई विल गेट 98 जाउल व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज अप्रोप्रिएट वन। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा यहां पे जो फर्क देख लीजिएगा सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहां पे h वाज नॉट द टोटल हाइट, वरना बच्चा कहता है कि सर h1 माइनस h2 से निकालना चाहिए था, जब उसने हमें दी ही ऊपर से हाइट है तो मैं ये देखूंगा यहां से कितनी mgh उसने लूज की है वही हमारी काइनेटिक एनर्जी गेन्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1000 केजी कार From 20 to 30। देखें जी work done हमने find करना है, हमें speeds और mass given है, तो आप work energy principle use करें, half mvf का square minus 1/2 mvi का square। इसको आसान करने के लिए ये कर लेते हैं कि work done is equal to 1/2 m बाहर common निकाल लें, vf का square minus vi का square put करें। देखें जी उसने जो हमें speeds दी हुई हैं, उनको values को put करने की कोशिश करते हैं, mass की जगह मैंने 1000 put कर दिया। फाइनल स्पीड जो है दैट वाज 30, 30 का जब आप स्केयर लेंगे दैट विल बी 900 माइनस इनिशियल स्पीड वाज 20 दैट विल बी 400, जब आप इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इनटू 500। जी स्टूडेंट्स, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व किया दैट विल बी 500, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें इसको कैंसिल कर लें दैट विल बी 250। अब हमारे पास आंसर क्या बचता है, W is equal to आपको 250 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 250 और आगे 3 जीरोस और लगा देता हूं। अब इसको आप ऐसा करें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट पीछे लाएं, सो आई कैन राइट 2.5 × 10⁵ जाउल विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। देखिए इसमें से सूटेबल ऑप्शन आपको कौन सी नजर आती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो सूटेबल ऑप्शन है दैट इज डेल्टा 2.5 × 5। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जरा गौर करें। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है द रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ 3 केजी बॉडी फ्रॉम 0.75 टू 0.25 इन द गिवन टाइम। देखिए जी हमें जो है वो रिटार्डिंग फोर्स चाहिए, रिटार्डिंग फोर्स को मैं m इज a लिख सकता हूं। देखिए अब इसमें अगर मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाता हूं तो मुझे डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू फाइंड, इसलिए मैं डायरेक्ट f इज इक्वल टू ma की तरफ चलता हूं। f इज इक्वल टू ma में मैं मास पुट करने वाला हूं, मास की जगह पे आई विल पुट 3 kg और एक्सेलरेशन जब मैं फाइंड करने लगा हूं तो एक्सेलरेशन विल बी vf माइनस vi ओवर t, इन सब वैल्यूज का हमें पता है, सो f विल बी 3 kg मल्टीप्लाइड बाय फाइनल स्पीड जो है दैट इज 0.75 माइनस 0.25 करूंगा आई विल गेट 0.5 डिवाइडेड बाय जो मेरे पास टाइम है दैट इज 0.02 सेकंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये करने वाला हूं f इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए पॉइंट में डील करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, ट्रिक मैं ये यूज करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 50/100, इज इट ओके विद यू, और अगर मैं इसको भी 2/100 लिख दूं तो मेरे लिए आसानी ही होगी कि मैं 100 को 100 से कैंसिल कर दूंगा और इसको मैं 25 लिख सकूंगा, जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा आई विल गेट द फोर्स 75 न्यूटन। सो दैट इज द शॉर्ट मेथड, आपको पॉइंट्स के अंदर डील नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, अ कार ऑफ मास m हैज एन इंजन व्हिच कैन डिलीवर पावर p, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन व्हिच कार can accelerate from rest to a speed, yani hame actually time ko in terms of power and speed likhna hai. Dekhi iske liye ab sabse aasan method kaun sa hai, aap logo ko pata hai power is equal to w over d, that is the first formula, aap logo ne ye bhi padha hua hai work done is equal to change in kinetic energy, so main aise likh sakta hu 1/2 mvf² - mvi kyunki it was initially at rest, so that was zero, main isko aise put kar deta hu divided by t, I know the value of t, तो उसको एक तरफ ले हैं, t is equal to 1/2 mv² और पावर को नीचे मल्टीप्लाई कर दे। देखिए जी हमारे पास टाइम की इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन है तो हमारे पास ऑप्शन c is the correct one, mv² / 2p, that is the correct option, so 13 की ऑप्शन चार्ली is the correct one। 14 देखें स्टूडेंट्स, a force of 10 newton displaces a body by 6 meter in 3 second, the power by the applying force is, अब देखें जी पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि फोर्स हमें गिवन है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वाज 10 न्यूटन,
डिस्प्लेस किया है हमने उसको जी 6 मीटर, और कितने टाइम के अंदर, 3 सेकंड के अंदर। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते थे, 2 पे कैंसिल करते, सो पावर विल बी 20 वाट। अब देखिए इसमें तो 20 वाट की ऑप्शन ही नहीं गिवन, लेकिन डेल्टा ऑप्शन में नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मशीन इज एबल टू लिफ्ट 200 केजी ऑफ ब्रिक्स वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर अबव द ग्राउंड इन 50 सेकंड, व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन। देखें दोबारा से हमें पावर के लिए वही चीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 आ गया, पावर के लिए दोबारा से चलते हैं। पावर इज इक्वल टू एम जी एच ओवर डी, सिर्फ गिवन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है या नहीं मिलता। देखें हमारे पास जो मास है दैट इज 200 केजी, मास की वैल्यू पुट की, 10 जो है वो जी की वैल्यू पुट की, एंड इट कैन लिफ्ट अप टू द हाइट ऑफ 30 मीटर, मैंने 30 मीटर पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय जो टाइम गिवन है दैट इज 50 सेकंड। तो मैं इसको 50 के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं 50 को 200 के साथ कैंसिल करूंगा, दैट विल बी 4, सो पावर विल बी इक्वल टू 40 × 30। इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, पावर इज इक्वल टू 4 × 3, दैट विल बी 12, दो यूनिट मैंने साथ वैसे लगा दिए जीरोस के, सो दैट विल बी 1200 वाट। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल टू 1.2 × 10⁻³ वाट, दैट विल बी 1.2 किलोवाट। देखते हैं जी ऑप्शन अच्छी है 15 में, बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 16th क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है Which of the following work done is greater? देखें जी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। W is equal to FD, cos of theta. अगर theta 0 degree है, so I will get the work done W is equal to FD. और अगर theta 180 degree है, so I will get the work done minus FD. क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये माइनस एफ डी ग्रेटर है या प्लस एफ डी ग्रेटर है, तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ माइनस की सिग्निफिकेंस ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वरना 100 जाउल और माइनस 100 जाउल वर्क डन विल बी इक्वल वर्क डन। तो इसमें से जो ऑप्शन बनेगी 100 माइनस 100 जीरो, सो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डेल्टा जो है वो ठीक होगा बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, दैट इज इजी वन, फोर्स की वन है हमें। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है वेक्टर की फॉर्म में, दैट इज 3i + 4j। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिया गया है, दैट इज 5j + 6k। अच्छा देखिए आपको पता है वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का बेटा रूल ही होता है कि आई वाले को आई से। अब ये देखें इसका आई का आई के साथ जो एक्स कंपोनेंट है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट है ही नहीं, दैट मींस इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, प्लस y component j के साथ यहाँ 5 है यहाँ 4 है, जब multiply करेंगे we will get 20, plus k component यानी z axis के along यहाँ पे k के साथ 6 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, that will be 0, so we will get work done simply by 20 joule, so option देखते हैं कौन सी ठीक होगी, 4 is the correct answer। next देखें जी question number 18, an engine develops a power of 10 kilowatt, how much time it will take to lift 200 kg up to the height of 40 meter। देखिए इसके लिए भी आसान formula वही है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप पुट करें पावर इज इक्वल टू एम जी एच ओवर टी, लेकिन इस फॉर्मूला में क्योंकि उसने टाइम पूछ लिया, दैट मींस एम की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करें 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है दैट वाज 40 मीटर डिवाइडेड बाय उसकी जो पावर है दैट इज 10 किलोवाट, 10 × 10³ लिख सकता हूं। 10³ को कैंसिल करने का मतलब आपको ऊपर से 3 जीरोस कैंसिल करने हैं, ये 3 जीरोस कैंसिल हो गए। अब मैं ऐसा करता हूं इसको 10 को इस पे 4 पे कर देता हूं, सो टी विल बी इक्वल टू 8 सेकंड, तो इसका आंसर बेटा हमारे पास आएगा 8 सेकंड। सो ऑप्शन कौन सी देखते हैं करेक्ट बनती है, दैट विल बी द बीटा ऑप्शन 8 सेकंड। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट देखिएगा, वर्क डन ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स, अल्फा ऑप्शन है जी काइनेटिक एनर्जी, बीटा ऑप्शन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या ऑल ऑफ दीस। देखिए बच्चे अक्सर समझता है कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ओनली फॉर लीनियर मोशन, लेकिन अगर बॉडी जो है वो वर्टिकली भी मूव कर रही है साथ, दैट मींस उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। याद रखें वर्क डन जो है दैट इज चेंज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर उसकी हाइट भी चेंज हो रही है दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन जो है वो दैट इज चेंज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, सो इसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देखिएगा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 जूल टू 2500 जूल इन 10 सेकंड वर्क डन विल बी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपली इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल जो है दैट इज 2500,
और इनिशियल जो थी दैट वाज 1000, तो जब 25 में से 1000 माइनस करेंगे यू विल गेट 1500 जूल, दैट इज द वर्क डन. तो जितनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है उतना ही बॉडी ने वर्क डन किया है. सो ऑप्शन इज अल्फा. If theta is equal to 180 degree, then work done will be. अब देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन एक के अंदर करवाया था कि जब theta 180 degree होगा, so work done will be F D cos 180. Cos 180 का मतलब minus 1, so W will be equal to minus F D. देखिए F D is the maximum value. Negative sign उसको minimum नहीं कर देता, उसको मैं negative maximum ही कहूँगा. That means appropriate option is minus, यानी negative maximum value. Charlie is the correct answer. नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अ सैटेलाइट ऑफ मास 100 केजी मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ 1000 किलोमीटर विद अ 20 मीटर पर सेकंड. देखिए जी आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हम जब भी बात करेंगे किसी बॉडी की सर्कुलर मोशन की, चाहे वो अर्थ के गिर्द सैटेलाइट रोटेट कर रहा है या कोई भी ऐसी मोशन है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल होती है और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होते हैं, जो हमेशा आपस में एंगल 90 डिग्री बनाते हैं. आपको पता है जब थीटा 90 डिग्री हो जाए उस केस में वर्क डन जीरो होता है. तो हमेशा जब भी सर्कुलर मोशन की बात आएगी, चाहे वो बॉडी मैग्नेटिक फोर्स के असर से मूव करे चाहे ग्रेविटेशनल के असर से मूव करे, तो आप लोगों ने याद रखना है उसमें वर्क डन नहीं होता. तो जीरो ऑप्शन देखते हैं, सर्च करते हैं इसके अंदर, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. 23 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी. ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है लेकिन एक दफा दोबारा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर वही काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ रिलेट करने की इक्वेशन p स्क्वायर ओवर 2m. तो अच्छा ये इक्वेशन यहां पे वैलिड इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें स्पीड इनडायरेक्टली नहीं गिवन. तो दूसरी की तरफ चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू pv/2. ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है क्योंकि यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से कैंसिल करके स्पीड 2 मीटर पर सेकंड निकाल सकता हूं. ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया, सो दैट वाज इजी इनफ. इसकी ऑप्शन बनती है स्टूडेंट्स चार्ली. 23 की ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट वन. 24 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. 24 देखिएगा, 24 है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड टू ओरिजिनल हाइट ऑफ 10 मीटर. यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि बॉडी यहां से यहां तक आई, 20 मीटर हाइट से गिराई गई, स्ट्राइक करने के बाद बॉडी यहां तक 10 मीटर तक आई. इसका मतलब ये हुआ कि पहले बॉडी जो है वो 20 मीटर से रिलीज हुई थी, तो जो उसकी MGH की वैल्यू होगी वो 20 से निकाली जाएगी. मैं उसको डायरेक्टली अगर लिखना चाहूं तो अगर इसका मास ना भी गिवन होता तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था, और क्योंकि मास नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं. मैं इसे कहूंगा जी MGH1 ओवर MGH2, यानी देखते हैं कि कितना चेंज आया है. देखिए हमारे पास पहले जो है वो हमारे पास 20 थी, इस टाइम हमारे पास हाइट 10 हो चुकी है. इसका मतलब हाइट जो है वो 50% रिड्यूस हुई है. इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर हाइट 50% रिड्यूस हुई है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 50% रिड्यूस होगी. तो इसका मतलब बॉडी ने जो है वो 50% एनर्जी जो है वो लॉस की है. तो मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी 50%. देखते हैं जी 24 का आंसर जो है दैट इज अल्फा. A body moves a distance of 5 meter long a straight line under the action of 10 Newton force. If the work done is 25, देखें जी इसमें question में हमें उसने angle पूछ लिया है. तो question number 25 की तरफ चलते हैं. कहता जी body ने 5 meter displace किया है. W is equal to FD होता है. FD cos of theta. अब उसने जो work done किया है, that work done is 25 joule. Force उसने लगाई थी जी 10 और displace किया था 5 into cos of theta. कहता बताएं क्या angle होगा? तो 25 divided by 5 into 10, 50 इधर आके divide हो गया, that will be 1/2. इसका मतलब cos theta की value 1/2 होनी चाहिए. बताएं जी किस angle के ऊपर ऐसा होता है? That angle is 60 degree. तो answer हमारा appropriate होगा 60 degree. Option will be Charlie. 26 option देखते हैं जी. 26 question मैं पढ़ रहा हूँ. A power needed to lift 5000 gram up to the height of 1 meter in 2 seconds. तो power find करनी है जी. ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है. देखिए पावर फाइंड करने के लिए अगेन वही फार्मूला MGH ओवर T यूज करें. पावर इज इक्वल टू मास की जगह पे 5000 ग्राम की जगह आप 5 kg पुट कर दें क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट भी वही है. g की जगह पे 10 पुट करें और हाइट उसने कहा जी 1 मीटर, टाइम उसको लगा 2. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 5, पावर विल बिकम 25 वाट. देखते हैं जी इसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है. अब 25 एज सच तो नहीं है लेकिन 24.5 है क्योंकि मैंने यहां पे g की जगह 9.8 नहीं पुट किया था. सो चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ठीक है 27 देखें जी. एरिया अंडर
पावर टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स दी, अब देखें पावर टाइम कर्व के अंदर एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को, सो पावर इनटू टाइम क्योंकि वर्क के इक्वल होता है, सो दैट मींस अगर पावर और एरिया का मैं पावर और टाइम का एरिया निकाल लेता हूं, सो दैट विल गिव मी द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। देखते हैं ऑप्शन अल्फा इसमें ठीक है जी 27 में। 28th क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, 28th में कहता है जी कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 50 केजी बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अगेन वर्क डन फाइंड करने के लिए मैं MGH यूज कर रहा हूं, मास जो गिवन है दैट इज 50 केजी, जी की वैल्यू मैं 10 ही यूज कर रहा हूं एंड हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर का मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं 1/2 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.5 मीटर जिसको मैं 1/2 मीटर भी लिख सकता हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा दैट विल बी 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो दैट आंसर विल बी 250 जूल विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क। देखते हैं ऑप्शन है 250 की बजाय 245 आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पे 9.8 यूज किया था, 9.8 नहीं यूज किया था। देखिए अब रूल क्या हुआ, मैं जनरली हमेशा रिकमेंड करूंगा आप 10 के साथ ही ये सॉल्व करें क्योंकि आप एप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंच जाते हैं, इनमें से सूटेबल आंसर तक पहुंच जाते हैं। अगर आप 9.8 से सॉल्व करने बैठ गए तो एक तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा ये भी होगा कि आपके शायद उस एक एमसीक्यू के पीछे 2-3 एमसीक्यू छूट जाए, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है 10 से सॉल्व कर लें और अपने आंसर का माइंड में रखें क्योंकि हमने एक बड़ी वैल्यू यूज की है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन में से उससे थोड़ा सा छोटा ऑप्शन चूज करने की कोशिश करें, तो इसमें से जो है 245 बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। 29 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स, 29 ऑप्शन देख पढ़ता हूं स्टेटमेंट, वाटर फ्रॉम स्टीम इज फॉलिंग थ्रू ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन एट द रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ का मतलब है ये मास पर टाइम गिवन है आपको एंड दैट वैल्यू इज 100 केजी पर सेकंड। नेक्स्ट वो कहता है जी इट्स हाइट ऑफ द स्ट्रीम इज 100 मीटर, एज गिवन है हमें 100 मीटर, तो वो कहता है कि जी पावर डिलीवर्ड बाय द सिस्टम क्या होगा। देखिए हमें पावर का अगेन वही फार्मूला MGH ओवर T, लेकिन मैं इस दफा M ओवर T को एक सेपरेट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो पावर इज इक्वल टू M ओवर T की जगह मैं 100 पुट कर रहा हूं, G की जगह 10 पुट कर रहा हूं, H की जगह 100 पुट कर रहा हूं, सो इसका आंसर आ जाएगा 10^5 वाट। देखते हैं क्या इसी तरह की ऑप्शन गिवन है, तो 10^5 वाट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 100 × 10^3 वाट, तो दैट विल बी 100 किलोवाट, क्योंकि ऑप्शंस ऐसी थी मैंने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, ऑप्शन डेल्टा विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा स्टूडेंट, 30 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट में आने के चांसेस भी होते हैं। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 40 वाट बल्ब इन 2 सेकंड, पावर इज इक्वल टू W बाय T, W इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यानी अगर आपको पावर और कितनी देर के लिए वो बल्ब जला है अगर ये दोनों चीजें पता हो तो आप एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं। पावर है जी 40 वाट मल्टीप्लाइड बाय कितनी देर के लिए जला है 2 सेकंड के लिए, सो दैट विल बी 80 जूल। देखिए जी करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, इसमें से चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स होपफुली आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, आप लोगों को शॉर्टकट्स पता चले होंगे, हम लोगों ने वर्क इन एनर्जी से रिलेटेड काफी फार्मूलाज भी न्यू डिस्कस किए, तो अगर आप लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिला है तो और सीखने के लिए आप लोग हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको और कोई चीज इसके अलावा डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, वी विल देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।